आ गए। ठीक है, कितना टाइम लगा दिए सर? वो थोड़ा जाम लग रहा था भाई, जब ऑर्डर किया था एड्रेस उसमें प्रॉपर पढ़ा नहीं, उसमें लिखा था फर्स्ट फ्लोर पे और ये गेट खुला था, आ नहीं सकते थे ऊपर। सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं पता नहीं कौन सा फ्लोर है। और क्या टाइमिंग थी जब मैंने ऑर्डर किया था? तब दिखा रहा था आधे घंटे लगेंगे और तुम डेढ़ घंटे लेट आ रहे हो। सर थोड़ा जाम लग रहा था इस वजह से लेट हो गया। जाम का मैंने ठेका ले रखा था। नहीं सर थोड़ा लेट हो गया। तो उसमें मैं क्या करूं भाई, मैंने ऑर्डर किया था आधे घंटे पहले, तुम्हारे डेढ़ घंटे लेट। अब बताओ ये खाना किस काम का है? और ये खाना है यही देते हैं? ये इसमें जैसे लग रहा है खाना नहीं, कूड़ा हो। सर ये पैकिंग है ना, इसको मैं क्या करूँगा? ये किस काम का है मेरे? मैंने ऑर्डर इसीलिए किया था ना ताकि मुझे आराम से स्वादिष्ट खाना मिले और गर्मा गर्म, नहीं तो मैं खुद ही नहीं बना लेता अगर डेढ़ घंटे बाद खाना है तो। सर रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से। तो रेस्टोरेंट वाले को कंप्लेंट करो ना भाई, मैं क्या करूँ इसमें, मेरे तो पैसे जा रहे हैं। सर सॉरी पर नेक्स्ट टाइम। क्या सॉरी, सॉरी का मैं क्या करूँ बताओ भाई, मैंने ऑर्डर किया 500 रुपये का और तुम लेके आ रहे हो ठंडा खाना। सर वो थोड़ा रेस्टोरेंट में लेट हो गया इस वजह से। भाई डिलीवरी वालों की औकात यही है इसीलिए ये काम कर रहे हो, घर वालों ने नहीं कभी चाहा होगा कि जाके तुम खाना पहुंचाओ, लेकिन खाना भी पहुंचा रहे हो वो भी कौन ढंग से नहीं कर रहे हो तुम। सुनो अब मेरी बात सुनो, मैं खाना भी ले लेता हूं और तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा और तो तुम्हारे नाम की कंप्लेंट भी करूंगा। सॉरी नेक्स्ट टाइम। भाई सॉरी और कुछ नहीं, चल बैठ बदतमीज कहीं के। अब मैं खाना लेके जा रहा हूं, पैसे। सॉरी वो मेरी सैलरी में से काट लेंगे। सर तुम्हारी सैलरी का मैंने ठेका ले रखा है। सर वो मेरी सैलरी में से काट लेंगे प्लीज। सर सर मेरे पैसे। सर सर ले आ गए आप? थैंक यू। सॉरी सर। सॉरी किस बात के लिए? सर लेट हो गया इस वजह से। अरे तो लेट हो गया तो क्या हो गया, 15-20 मिनट लेट तो चलता है ना। सर हाँ बस कंप्लेंट मत करना मेरी। भाई मैंने कब बोला मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा? सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, घबराए हुए? पानी वानी पियोगे? नहीं नहीं बस सर मैं ठीक हूँ, बस कंप्लेंट मत करना। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं सर वो बस थोड़ा पिछले कस्टमर के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को टेंशन मत लिया करो, ठीक है? थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। चलिए सुनो। हाँ आज हो जाएगा जी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अरे अरे सर एक सेकंड। हाँ सर मैं आपको कॉल करता हूँ। जी जी सर एक्चुअली अनिल जी ने मुझसे बोला था आपको बोलने के लिए कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, आप मेरे सीनियर हैं। क्या बोला था? एक्चुअली उन्होंने बोला था कि मैं आपको बोल दूँ कि कल से आप जॉब पे मत आए। जॉब पे ना क्यों? सर ये तो नहीं पता, मतलब ये अनिल जी बता सकते हैं। कहाँ है अनिल जी? वो सर वहाँ बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पर। हाँ जी आ जाइए, आप साइड पर आ जाइए जी। हाँ बोला था आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आ जाइए आप। ओके हाँ जी बोलिए, क्या था? शर्मा जी बोलिए सर। टाइम क्या हुआ? सर 11 बज रहे हैं। और ऑफिस आने का टाइम क्या है? 10 बजे। अच्छा तो मतलब लेट आए आप। हाँ सर वो सर सॉरी सर आज के लिए। अच्छा ये बताइए ये पहली बार है या इससे पहले भी हो चुका है? नहीं सर कभी कभार हो जाता है, वो आपको भी पता है सर ट्रैफिक की वजह से हुआ, मैं वैसे लेट होता नहीं हूँ। ट्रैफिक की वजह से आप लेट हो गए, वो ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ। किसके हाथ में फिर? सर ये तो नेचुरल चीज़ है, इसमें हम कैसे कंट्रोल करते हैं? ये सिर्फ आपके लिए नेचुरल चीज़ है या सबके लिए है? सर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो वो बताइए सर, घुमा फिरा कि बात ये है ना कि अभी मैंने आपको काम से निकाला है और मैं नए लोगों को हायर किया मैंने अपनी कंपनी में। मुझे काम से निकाल के किसी और को? तो आप मिलना नहीं चाहेंगे जिसके जगह पे आपको रखा गया? सर ये लीजिए आगे वो। सुनो जहाँ आप ऑर्डर देने गए थे उसका नाम क्या था? प्रदीप सर। अच्छा रहता कहाँ वो? सर वो 21 फर्स्ट फ्लोर। आप कितना पढ़े लिखे? एक काम कीजिए आपका नंबर मेरे पास है,
मैं आपको जब फ़ोन करूँगा आप आ जाना मेरे कंपनी, आ जाइए आप साइड पर आ जाइए। ये डिलीवरी बॉय है सर। जी हाँ डिलीवरी बॉय है। और क्या कह रहे थे आप कि इन जैसे लोगों की कोई औकात नहीं होती, इनकी मम्मी इनको पढ़ाती नहीं ताकि ये यही काम करे, यही सब कह रहे थे ना आप। और शर्मा जी आपने ये भी कहा था कि ट्रैफिक किसी के हाथ में नहीं होता, कहा था ना। तो ये बताइए जब ट्रैफिक आपके हाथों में नहीं होता तो इनके हाथ में कैसे हो सकता है? पता नहीं आप जैसे लोग क्या समझते हैं अपने आप को। अरे इन जैसे लोगों को अगर आप रिस्पेक्ट दे दीजिएगा तो आपका क्या जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आता। चलिए शर्मा जी जय श्री राम। बट सर अब मैं क्या करूँगा? डिलीवरी